एक व्यक्ति की बात है, पूरी सुनो हो ना। हाँ बस कंप्लीट हो गया। ठीक है चलिए ठीक है। ठीक है, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अपने उसका से रिलेटेड पॉलिटिक्स है। ठीक है, ठीक है ठीक है। अभी उस पर मत जाइए, वो एक अदर मैटर हो जाएगा ना, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अभी मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अब आप मुद्दा बहुत आगे तक ले गए हो ना, कभी मैं समझाता हूँ। चलो चलो शांत हो जाओ, सभी मेरी सुनो, है ना।
चर्चा अच्छी बात है। कोई लाइव चल रहा है क्या भाई? ध्यान रखो है ना, कोई अपने ऊपर ठोक देगा। चलो चलो समझो मेरी बात है ना। अभी इसका आपने अपने स्तर पे आयाम बताया, मेरा आयाम समझ लो। इस पर क्या होता है, पहली बात कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से हुई थी ना कि प्रधानमंत्री जवाब दें। यह बात बिल्कुल सही बताया आपने कि वो सरकार के प्रतिनिधि है और जवाब दें। बस इस बात का थोड़ा करेक्शन कर लेना कि जनप्रतिनिधि वो भी हैं जो विपक्ष वाले हैं, वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं और पक्ष वाले भी अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। सभी अपने अपने स्तर पे मुद्दे। अब देखिए उसका राजनीतिक एंगल एक अलग होता है, हर चीज़ का एक राजनीतिक एंगल है, उस एंगल पे हमें नहीं जाना है। हमें एज ए एस्पिरेंट आपको क्या समझना है, एज ए एस्पिरेंट फोकस करो, ध्यान रखो। एज ए एस्पिरेंट आपको ये देखना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये संविधान में किस आर्टिकल में मेंशन है, क्या इस कार्यवाही में जो हुई है, जैसे कि वो प्रधानमंत्री को बुलाने की बात कर रहे हैं या फिर अभी आपने सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनके खिलाफ, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन में, आपको किसी घटना को ऑब्जर्व करना है। अपना स्टेटमेंट मत दे देना, बचना। चाहे आप कितने ही अपने आप को सूरमा समझे, पॉलिटिक के विशेषज्ञ समझे, या आप अपने आप को वो संविधान के बहुत फेमस विशेषज्ञ सुभाष कश्यप वही समझ लें आप अपने आप को, तो भी मत देना, बचना। एक नेता अपना बयान इसलिए देता है कि कुछ लोग उसके समर्थन में आते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में जाते हैं, वो अपने वोटों को साधने के लिए बयान देता है। आप क्या बनने जा रहे हो, आपके मन में कुछ भी विचार आए, उल जुलूल गुस्सा भी आए, फूटे, पर नहीं देना, बचना, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना। हाँ, आप ये देखो कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, अगर उस पर आपसे प्रश्न पूछा गया तो भी आंसर देने में रेडिकल होने से बचना, नहीं तो फिर लपेट दिए जाओगे। रेडिकल आंसर दिया, किसी के भी एकदम साइड में चले गए, किसी के भी एकदम खिलाफ चले गए, तो गए। अगर आपने अप्रत्यक्ष शब्दों का प्रयोग किया तो ठीक है, अगर आपने प्रत्यक्ष किसी के शब्दों का प्रयोग किया, किसी पार्टी का जिक्र किया, किसी व्यक्ति का जिक्र किया या किसी मुद्दे पर जिक्र किया, मुद्दे का जिक्र किया, तो भी आप गए। आपका आंसर इस प्रकार से होना चाहिए कि जो कमियां अगर बता रहे हो, पूछा गया, आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो कम से कम शब्दों में उसकी आलोचना करो। आलोचनात्मक परीक्षण में भी आप 70% आलोचना ना करें, केवल 30% ही आलोचना करें। आप क्या बनने जा रहे हो, उस शासन का एक अंग, ठीक है, जो शासन हमारी सरकार जो हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं उसका अंग, उसकी बुराइयां हैं, हर चीज में बुराइयां होती है, शासन में बुराइयां होती है। आयोग इसलिए नहीं बैठा कि उसकी बुराइयां गिनाओ, बुराइयां गिनाने का काम किसका है, पॉलिटिशियन का, है ना, जो भी कमियां रहेगी सरकार में, कमियां रहेगी तो विपक्ष गिनाएगा, है ना, या फिर पक्ष के भी गिना सकते हैं, मतलब पॉलिटिशियन का काम है बुराइयां गिनाना। आपका काम क्या है, सॉल्यूशन निकालना, तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करें। कमियां उनको भी पता है, वो इसलिए कहते हैं कि आप इसका क्या उपाय देंगे। UPSC इतने ज्यादा एनालिटिकल प्रश्न क्यों देता है, वो आपसे जानना चाहता है कि बुराइयां तो हमें भी पता है, आप क्या बताओगे हमें। आलोचना तो लोग भर भर के कर देते हैं, नेता को एक बिठा दो, कोई मान लो कि एक पक्ष की सरकार है, दूसरे पक्ष के एक नेता को बिठा दो तो सुबह से शाम हो जाएगी, 24 घंटे बिना पानी पिए वो ऊंट की तरह बोलता चला जाएगा, तो बुराइयां तो उसको भी पता है पूरी शासन की, उसके पास उपाय नहीं है। पर नेता के पास उपाय नहीं होते, जनरली बहुत सारे लोगों के पास होते भी हैं जो वास्तविक आलोचक होते हैं। एक होता है ना वो जो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखी है, वो वास्तविक आलोचक होते हैं जो कि बुराइयां तो जानते हैं साथ में उपाय भी जानते हैं। आपको क्या बनना है, आप बुराई जानते हो पर उपाय आपको पता हो, एज ए एस्पिरेंट आपकी ये डेफिनेशन है। एक एस्पिरेंट में केवल नेता नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन करने वाला एक बुद्धिजीवी होना चाहिए। इसलिए आप क्या बनने जा रहे हो, थिंक टैंक, सरकार के विचार शक्ति आप बनने जा रहे हो, तो ध्यान रखना है, बचना, किसी भी मुद्दे पर जवाब देने से बचना। ये मुद्दा चल रहा है आज, एक जागरूक एस्पिरेंट के नाते आप क्या हो, किसी मुद्दे पर बहस कर सकते हो, पर वहाँ पर रेडिकल प्रश्न देने से बचना। इसलिए कहता हूँ अपने विचारों को क्या बनाओ, हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव एंगल ढूंढो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ध्यान रखना है सभी को ना, हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव एंगल ढूंढो,
अगर किसी ने कह दिया कि ये गलत हो रहा है तो उसमें भी देखो कि इसमें कितना गलत हो रहा है। एक आम आदमी कह सकता है कि बहुत गलत हो रहा है, एक नेता कर रहा है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ना, पर एक ऑफिसर के नाते आप बोलोगे कि इतना इसमें गलत हुआ, इतना हम सही कर रहे हैं, इतना अच्छा हुआ। ये आपका एंगल होना चाहिए, बुराई में भी अच्छाई ढूंढो। बिल्कुल देखो, उसमें भी हमें एक ध्यान रखना है, आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ाया जाता है किताबों में बताओ। आप अपने आप को एज्यूम करो कि आप एक ऑफिसर बन चुके हो, ठीक है, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस इथिक्स सारे सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, बाकी एमबीपीएससी में जो शामिल थे हिंदी वो सब आपने पढ़े, आप पोस्ट पे चले गए। उसके बाद में ये बताओ मुझे कृपया, जब आप पोस्ट पे चले गए उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट आपके काम आने वाला है? हिस्ट्री आएगा क्या? जनरली नहीं आएगा, ज्योग्राफी भी कभी कभी आएगा, बाकी वो डिजास्टर वाले टॉपिक में कभी आएगा वरना नहीं आएगा, है ना। इकोनॉमी आप हर समय पे, हो सकता है इकोनॉमी का आपको लेना देना ही ना हो, थोड़ी बहुत आप टर्म वगैरह जान सकते हो, बाकी ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा आता है? ये आपके हर बार आएगा, ठीक है। और पॉलिटी क्या होती है? कानूनों से रिलेटेड होती है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कानूनों को, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप जो कर सकते हो वो उपाय आप उसको बताएं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो वो उपाय आप बताएं। इसके अलावा कुछ आपको विवेकाधीन शक्तियां दी है जो एथिक्स के अनुसार आपको फॉलो करनी है। एथिक्स आपका क्या कहता है कि इस परिस्थिति में ये ज्यादा सर्वोचित कदम है। आगे एक टॉपिक है, कौन सा है? जवाबदेहिता। हाँ, जवाबदेहिता में आपको बताऊंगा कि जवाबदेहिता में क्या होता है कि आपको यही साबित करना रहता है सक्षम अधिकारी को कि मैंने जो ये डिसीजन लिया ये मेरा सर्वोत्तम विकल्प है, ठीक है। ये सर्वोत्तम विकल्प अगर आपने साबित कर दिया तो आप अकाउंटेबल हो, अन्यथा आप गलत किया आपने, इस बात का ध्यान रखना है। तो रूल्स के जो फॉलो कर रहे हैं उनको आप प्रायोरिटी दें। फिर अगर आपको लग रहा है देश काल परिस्थिति में ये भी एक डिसीजन हो सकता है तो ये मत कहें, आपने बोला कि क्या किया जा सकता है, नहीं हाँ क्या करना है हमें, ना क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, इनमें बहुत अंतर होगा ना, और क्या करना है इनमें भी अंतर होगा। आपका आंसर हमेशा क्या है, कैसा होना चाहिए? सकता है, शक्ति है, हो सकता है, कर सकते हैं, इस पे आपको आंसर करना है। ऐसे पता है ऐसे क्या बच जाओगे आप? आंसर अगर आपने किया कि हम ये भी उपाय कर सकते हैं, आपने ये तो नहीं बोला कि मैं करूंगा या करूंगी, आपने ये बोल दिया कि मैं इसके लिए ये करूंगी कि लाठी चार्ज करूंगी या लाठी चार्ज करूंगा, तो आप फंस गए, नेगेटिव में चले गए, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया। भाई वो कह रहा है कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं, वो खुद पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, आपने एंगल बताया कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपका आंसर जब भी लिखें आप इसी फॉर्म में लिखें, सकता है, शक्ति है, या कि ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। हाँ मैं भी आप ज्यादा प्रयोग कर सकते हो, मैं भी तो ये हो सकता है, ठीक है भाई, आंसर ऐसे ही करना है। अब टॉपिक पे आ जाएं पुनः, वरना मुझे लगता है यहाँ के सब लोग बुद्धिजीवी हो तुम लोग, फिर कहीं मुद्दे पे चले जाओगे। नेक्स्ट बताएं, सत्यनिष्ठा समझ में आ गया? सत्य के प्रति निष्ठा है ना, कि जब हम किसी कार्य में अपने सिद्धांतों, अपने वैल्यूज, सिद्धांत और वैल्यूज में भी अंतर हो सकता है, सिद्धांत बाहरी भी हो सकते हैं आंतरिक भी हो सकते हैं। सिद्धांत मतलब जैसे मैं कहूँ इस कोचिंग क्लासेज का सिद्धांत है कि सभी पॉलिटिकली किसी भी नेता की बात नहीं करेंगे, है ना, पॉलिटिकली किसी पार्टी को हम लोग फेवर नहीं करेंगे, इस क्लास के सिद्धांत है।
पर वैल्यूज जनरली जो होती है हम लोग अपने अंदर के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो अपने सिद्धांतों, अपने जो वैल्यूज हैं उनको अगर फॉलो कर रहा है कि मेरी वैल्यू है मैं आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाऊंगा, नियमित पढ़ाऊंगा, बारिश आ जाए तो भी पढ़ाने आऊंगा, ये मेरे वैल्यूज हैं, और इसके अलावा मेरा मन भी यही कह रहा है, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़, इनर स्पिरिट मतलब अंतरात्मा ही है, तो अंतरात्मा की आवाज़, आपके आपके वैल्यूज और आपके सिद्धांत, ये सारे का अगर एक सामंजस्य है और आप डिसीजन कर रहे हो तो वो क्या है, सत्यनिष्ठा है। इतना भी गहराई से कठिन समझ में ना आए तो सीधे समझ लेना कि सत्यनिष्ठा का मतलब है सत्य के प्रति निष्ठा, यानी कि अपने सिद्धांतों पर मरते दम तक अड़िग रहना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लिखें, हाँ ले ली, नेक्स्ट लिखो वस्तुनिष्ठता, ये अब आसान से समझ जाओगे आप लोग, वस्तु निष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो छोटा ही लिख लेना ना, इरेजर, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है भाई, फिर से तोड़ो, वस्तु धन निष्ठता, वस्तु धन निष्ठा, निष्ठा ही कर लो अभी, निष्ठता को भी छोड़ दो, ठीक है, निष्ठा क्या होता है, हाँ यही सेम, और कोई भिन्न मत, पीछे से सबसे पीछे बताइए क्या होता है वस्तु निष्ठा, क्या समझ पा रहे हो, बोला करें सभी लोग, बोलने से इंटरव्यू बढ़िया होगा, मेंस भी बढ़िया होगा, हाँ जोर से बोलो मेरे तक आवाज आए, निष्ठा क्या होती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं निष्ठा पूर्वक आपको पढ़ा रहा हूं, तो निष्ठा यानी ईमानदारी, ओके, ईमानदारी यानी निष्ठा, अब समझाओ, अब आसान हो गया, हाँ किसी वस्तु के प्रति ईमानदारी बरतना, जैसे मैं कहूं कि मैं एक मोबाइल कंपनी का निर्माता हूं, अब मैंने इस मोबाइल को बनाया तो इसको बनाने के दौरान जो मानक थे उन मानकों को अगर मैंने फॉलो किया, इसमें जो फीचर डालने थे उसमें मैंने कोई डुप्लीकेशन नहीं किया, कोई इसमें कमजोरी नहीं की, तो क्या है, वस्तु निष्ठता है, ठीक है, समझ में आया, क्या नाम है आपका, प्रिया, समझ में आया, ओके, हाँ इंटीग्रिटी वही है, ट्रूथफुलनेस कह सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है ना, क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना कि सत्यनिष्ठा अगर आपको समझ में आ गया तो सत्य की जगह पे यहाँ पर अब सत्य क्या है, हर चीज में तो सत्य होता नहीं है, सत्य मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लो तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस भी आप कह सकते हो, हाँ बिल्कुल है ना, सब्जेक्टिविटी बदलती रहती है, विषय अनुसार बदलती सकती है पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं बदलेगी, ठीक है, तो याद रखना किसी भी वस्तु या किसी व्यवसाय, या व्यवसाय भी रख लेना याद रखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब यहाँ पर कि किसी वस्तु व्यवसाय कार्य क्या हो जाता है इसको, अच्छा किसी क्या बता रहा था मैं, हाँ किसी वस्तु व्यवसाय और कार्य के प्रति ईमानदारी बरतना ही वस्तुनिष्ठता है, ठीक है, अब बाकी आगे हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रकार की वस्तुनिष्ठताएं आएगी, नेक्स्ट लिखो डेडिकेशन, लोक सेवा के प्रति समर्पण, ठीक है, तो लोक सेवा तो आप लोग लिख लोगे, मैं डायरेक्ट डेडिकेशन समझा देता हूँ, डेडिकेशन क्या होता है, वही डेडिकेशन या समर्पण, लोक सेवा के प्रति डेडिकेशन, क्योंकि हम लोग लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो हमें लोक सेवा के प्रति डेडिकेशन दिखाना है ना, ओके, हाँ हाँ
ओके ओके ये अपने एग्जांपल दे दिया। हाँ बहुत बढ़िया, एक नया शब्द मिला है भैया, लिख लेना सभी लोग, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा और इसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा डेफिनेशन में। मन से, मन से जिसको नहीं पता तो मन से की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। मनसा मतलब मन से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी क्या हो जाना, समर्पित हो जाना। अब समर्पित लिखोगे तो अच्छा नहीं लगोगा क्योंकि समर्पण तो पूछ ही रहा है। अब समर्पित की जगह कोई ऐसा पर्यायवाची लाओ जो उसको निरूपित कर रहा है। डिवोशन थोड़ी लिखेंगे वहां। हाँ अर्पण हो जाना, अर्पित कर देना मन वचन कर्म से किसी कार्य के प्रति ईमानदारी बरतना, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है भाई। या फिर अडिग हो जाना, ये भी लिख सकते हो। अच्छी अच्छी परिभाषाएं बता रहे हो आप लोग, है ना। अर्पित हो जाना ये भी लिख सकते हो, या करना मन वचन कर्म से किसी कार्य को करना, ठीक है ना। वो भी किससे, पूर्ण भाव से, पूर्ण भाव से। उसमें कार्य करने का तो भाव है लेकिन पूर्ण हो, अपूर्ण ना हो। अगर पूर्ण भाव है तो हम कहेंगे डेडिकेटेड है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब आप आराम से समझा दोगे। अब लोक सेवा के प्रति समर्पण की बात चल रही है तो यहाँ पर एक लोक सेवा की क्या ड्यूटी है, एक लोक सेवा क्या करता है, सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को, बनाए गए कानूनों को, सौंपे गए उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक क्या कर रहा है, अगर वह पालन कर रहा है, उसमें अपना क्या झोंक रहा है, अपना पूरा ध्यान लगा रहा है, इट मीन्स कि मन से काम कर रहा है, जो उसने कहा करके दिखाएगा, मतलब जो बातें कही है, कथनी करनी में अंतर है। इसी को परीक्षित सर क्या बोलते हैं, कथनी और करनी में व्यक्ति की अगर अंतर कम है तो वो व्यक्ति ईमानदार है, है ना। तो ये है कर्मणा, यानी कि वो जो कर रहा है वो भी उसी चीज को निरूपित कर रहा है, यानी तीनों परिस्थिति में उस कार्य को क्या किया जा रहा है, निरूपित किया जा रहा है। हाँ तो ये क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत अच्छा शब्द दिया इन्होंने। तो ये है, ठीक है भाई, लिख लोगे। नेक्स्ट डेडिकेशन हो गया, अब बात करते हैं एम्पैथी। हाँ अर्पण यानी कि अर्पित कर देना, समर्पित यानी भी समर्पित कर देना। हाँ सम अर्पित, संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना, ठीक है। अर्पण यानी कि मैं करता हूँ कि मैंने आपको ये अर्पित किया है, तो कहते ना पुष्प अर्पित करें, समर्पित तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समर्पित ही कर दिया साहब, सौंप दिया। हाँ अर्पण के लिए देख लेना यार, थोड़ा समय अभी नहीं पता मुझे। हाँ चलिए लिखें अगला, सिंपैथी। सिंपैथी की स्पेलिंग बोलो भाई। सिंपैथी यानी सहानुभूति, और दूसरी लिखो एम्पैथी, दोनों को तुलना करेंगे ना। एम्पैथी वैसे कर चुके हैं हम लोग इस पे चर्चा, समानुभूति आपको आता है ना सभी को, ये जिसको नहीं आता वो समझिएगा, है ना। हाँ किसने कहा था कि चर्चा कर चुके हैं, अहमद भैया ने बताएं क्या होता है सिंपैथी और एम्पैथी। बिल्कुल सही है। हाँ
किसमें? इसमें एक्शन नहीं हो सकता है ना, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ऐसे लिख देंगे ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक्शन, एक बात याद रखना, बताएं अगला और बताएं। इसमें जनरली होगा, होगा होगा कब, लेकिन इसे लिखना, इसको एकदम रेडिकल ना हो जाए कि होगा, रेडिकल तो आपको कहीं होना ही नहीं है भाई, आप बोलोगे सामान्यतः होगा, ये शब्द आपको बचा लेगा, ये शब्द आपको बचा लेगा। चलिए एक शब्द लिखें, सिंपैथी में आप लिखें दूर से है अनुभव, अरे दूर से, अरे क्या हो जाता है इसको, अनुभव करना, इसमें लिखें गहरा अनुभव करना, गहरा अनुभव करना, या इसको हम बोल सकते हैं आंशिक अनुभव, ऐसे दूर से भी ना लिखे तो शॉर्ट लिख दें आंशिक अनुभव, आंशिक अनुभव, इनर एक्सपीरियंस हो रहा है अगर हमें, और भाई आप इनर को आप बोल सकते हो, इनर नहीं बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे ना, पार्शियल अनुभव है ना, और डीप एक्सपीरियंस उस चीज के बारे में, या अनुभव को आप अनुभव ना लिखे फील लिख लें, डीप फीलिंग, फील अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो यहाँ पर भी फील ही लिखें, पार्शियल फीलिंग और यहाँ पर डीप फीलिंग, ठीक है, आंशिक यानी पार्शियल और डीप यानी गहरा या पूर्ण रूप से, ठीक है। अब समझिए, अब एक उदाहरण से समझिए, भूलभुलैया मूवी देखिए, पहली वाली भी देखी होगी है ना, देखिए, ठीक है। अब पहली वाली मुझे, मैंने दूसरी वाली नहीं देखी तो पहली वाली का जिक्र करते हैं। उस पहली वाली भूल भुलैया में एक ऐसा, वैसे तो ध्यान रखना भाई, वो कहते हैं ना एक वैधानिक चेतावनी कि कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं, ये जो बताने का उद्देश्य है केवल एक उदाहरण है, कैमरा वाले भी सुन लें ध्यानपूर्वक है ना, कोई भूत भूत नहीं होते हैं, बस एक उदाहरण बता रहा हूँ मूवी के मनोरंजन के लिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक किरदार रहता है मंजुली का, है ना। अब वो जो हीरो एक रहता है, उनकी पत्नी रहती है शायद माधुरी दीक्षित, कौन रहती है, विद्या बालन, हाँ विद्या बालन क्या करती है कि पहले जो उसकी कहानी सुनती है, उस बिल्डिंग में जो कोई रहती होगी प्रेमिका और उसके प्रेमी की कहानी सुनती है वो, तो उसको क्या हो जाता है, उनके प्रति सहानुभूति हो जाती है। पहली कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, है ना। उसमें क्या हो जाती है, उसको जब वो कहानी सुनती है सहानुभूति की, बेचारों के साथ में बुरा किया गया, किसके साथ में बुरा किया गया, जो उसमें नायक नायिका थी उनके साथ में ये सारी चीज़ें गलत की गई, कि उसके प्रेमी को मार दिया गया राजा के द्वारा और प्रेमिका को बहुत बुरा तड़पाया गया, ये उसको सहानुभूति होती है। धीरे धीरे वो उस कहानी में इतनी मशगूल हो जाती है विद्या बालन, उसमें जो किरदार में रहती है, कि उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, जो मैं अभी वर्तमान में हूँ वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो उस प्रेमिका के साथ हुआ था, वो प्रेमिका मैं ही हूँ, यानी कि ऐसा उसमें आ जाता है ना, उसकी आत्मा उसमें घुस जाती है, एक्चुअल में आत्मा नहीं, वो उसको ऐसी जैसी फीलिंग हो जाती है, मेंटली डिसऑर्डर है ये ना, कि उसको ऐसा फील हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ है और मैं अपने आप को वैसा ही महसूस करती हूँ। तो फिर विद्या बालन आप देखोगे उसी नायिका की तरह श्रृंगार करती है, वैसे ही कपड़े वगैरह वो घुंघरू वगैरह सारा पहनती है और उसी के अनुसार एक्ट करती है वो, है ना। यहाँ तक कि वो जो विलन रहता है अक्षय कुमार रहता है शायद उसमें, उसको बोलते हैं कि मैं इस राजा को मार दूंगी, है ना, या उस हीरो विद्या बालन के पति, उस समय पति का जो रोल करते हैं वो रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे अलग किया है मेरे प्रेमी से और मैं इसको मार दूंगी, इतना तक भी उसको फील हो जाता है कि एकदम मैं मार दूंगी इस राजा को और मैं वही हूँ, मुझे मेरा प्रेमी चाहिए। उस कहानी में इतना खो गई वो क्या है, समानुभूति या एम्पैथी या परानुभूति भी आप इसको बोल सकते हो, कि दूसरे का जैसा ही अनुभव खुद करने लग जाना, समझ पाए, याद रहेगा। हाँ चलिए, हाँ भाई, वो साइकोलॉजी आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी बड़ी मजेदार है, बहुत
भाई मैंने तो कभी नहीं देखा, आत्मा मरने के बाद किसने देखी है, मैं नहीं मानता, ठीक है, कोई भूत हो तो फिर भाई पता चले वो कौन सी मूवी है, अक्षय कुमार की एक और है ना लक्ष्मी, वो कहेगा भूत वूत कुछ नहीं होता, भूत आ जाए, चलो ठीक है कोई भूत नहीं है ना। आगे बताओ, आगे टॉलरेंस लिखें, लिखिए टॉलरेंस, स्पेलिंग टी ओ एल ई आर ए एन सी ई, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, ठीक है भाई। सहनशीलता एक अन्य शब्द है, इसको याद रखना, सहनशीलता नहीं है ये, सहिष्णुता है ये। सहनशीलता बताऊंगा आपको, सहनशीलता क्या होती है, सहनशीलता इसके लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में सहनशीलता के लिए, हाँ सहनशीलता के लिए कोई और वर्ड है, थोड़ा गूगल कर लो, पेशेंस तो धैर्य होता है, पेशेंस धैर्य होता है, देखो कोई शब्द है सहनशीलता के लिए, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अभी टॉलरेंस को समझो, सहिष्णुता क्या होती है, आप लोग बताएं पहले, नहीं पता, नहीं पता, हाँ बोले बोले, ये बोले वो दिनों बाद बोले, बोलो बहुत बढ़िया बोला आपने, दोबारा बोले, सहन करना, सहन करना और सम्मान करना, बहुत शानदार, क्या नाम है आपका, निशा, बहुत अच्छा बोला निशा आपने ना, सम्मान करना, सहन भी करना और सम्मान भी करना, भाई सही है, इन्होंने जो बोला यही है सहिष्णुता। और बताएं और कुछ ऐड और करना चाहें इसमें, हाँ हाँ ओके okay, आपने ये एक महान दार्शनिक के कथन बता दिए, नाम याद है, नाम अखबार में आता है ऊपर के फ्रंट पेज पे, नाम है वोल्टेयर, वाल्टेयर या वाल्टेयर भी आप कह सकते हैं उसको, वाल्टेयर, वाल्टेयर लिख लें, बहुत अच्छा कथन उन्होंने बताया, कभी इस पे प्रश्न बन जाए तो सहनशीलता का बढ़िया उदाहरण लिखो, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, मैंने बताया था ना एकल उद्धरण चिन्ह द्वि उद्धरण चिन्ह, तो ये कौन से में आएगा, इनका कथन मैं बता रहा हूं तो एजेटिस ले रहे हैं मतलब द्वि उद्धरण चिन्ह में ना, हाँ तो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, ये अखबार वगैरह पढ़ते हो ना तो ध्यान से पढ़ा करो, उसमें कोटेशन आते हैं। मजेदार बात बताऊं, यूपीएससी 2021 में मेंस में निबंध पूछा गया था, जीएस पेपर, जीएस नहीं मतलब पेपर फर्स्ट में निबंध पूछा गया था, जो एक दार्शनिक का कथन था, प्रश्न कैसा था, प्रश्न था कि छप्पर मरम्मत करने का समय तब है जब धूप के लिए हो, है ना, कि व्हेन द रिपेयर द रूफ, ऐसा तो कुछ, हाँ व्हेन द सन इज शाइनिंग है ना, द टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग, इस कथन को उठा करके, ये शायद किसी चीन के दार्शनिक ने या फिर किसी और अन्य दार्शनिक ने कथन दिया था, पर यही कथन अखबार पे मिला उस दिन, विष्णु सर ने मुझे स्क्रीनशॉट लिखकर भेजा था विष्णु सर ने कि देखो ये अखबार मैंने पढ़ा और इसी पे वही कथन आया, और वही कथन यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था मेंस में 1000 शब्दों में, उस कथन पे चाहो तो उठा के देख लेना, तो ऐसे कई सारे कथन है जो कि पूछे गए हैं दार्शनिकों के, कहाँ थे, लिखो सेंटेंस को लिखो, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, फिर भी आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा, फिर भी आपके विचार रखने की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा, लिख लिया आपने हेमंत भैया, हर चीज को ट्रांसलेशन के हिंदी में भी लिखा करो यार,
देखो आप दोनों लैंग्वेज पे आपकी बराबर कमांड, हिंदी वालों को भी इंग्लिश पे बराबर कमांड होनी चाहिए, ये बात अलग है कि मेरी भी उतनी नहीं है, पर होनी चाहिए सबकी, ये आप लोगों के लिए चेतावनी है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हाँ कर दीजिए, कोई किसी बात हो तो, मैं बहुत कमांड कर रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं जल्दी आप लोगों के सामने और बहुत शानदार बनकर आऊँगा। हिंदी में लिख लो ना, आपने ट्रांसलेट कर लेना, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, पर आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा। यहाँ पर भी सहिष्णुता शब्द झलक रहा है, बताएंगे क्या होता है सहनशीलता। देखो बहुत अच्छा उन्होंने बताया निशा ने कि ये कथन कह रहा है कि आपके विचार तो हैं, ठीक है भाई विचार हैं, सहन करना ये सहनशीलता है। अब आप ये मत कह देना कि इंग्लिश में भी टॉलरेंस मिला, इंग्लिश को तो पता है ना, अंकल को भी मामा, चाचा को भी, मतलब चाचा को भी मामा को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, ताऊ जी को भी अंकल, तो कई बार नहीं मिलते, पर हिंदी में अलग अलग करते दोनों के। सहनशीलता मतलब केवल सहन करना होता है, कोई आपको आकर के पीटे जा रहा है और आप उस पर हथियार नहीं उठा रहे हो, वो क्या है, सहनशीलता है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप उसका सम्मान कर रहे हो वो सहिष्णुता है। जैसे गांधी जी, गांधी जी केवल सहनशील नहीं थे, सहिष्णु भी थे, ठीक है, वो केवल सहते ही नहीं थे, वो सम्मान भी करते थे अच्छे विचारों का। इसलिए आपने देखा होगा गांधी जी कई सारी बातें अंग्रेजों की मानते थे, क्योंकि वो सही थी, है ना। अंग्रेजों ने भेदभाव का विरोध किया, गांधी जी ने माना कि भेदभाव गलत है भाई, अंग्रेज भी सही कह रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सही कह रहे हैं, गांधी जी भी सही कह रहे हैं, क्योंकि विचार अच्छे हैं, कई सारे विचार अंग्रेजों के इतने अच्छे थे कि गांधी जी उनको मानते थे, तो वो विचारों का सम्मान भी करते थे। सामने वाले ने कोई विचार रखा, पसंद नहीं आया, फिर भी सम्मान करो, मत मानो पर सम्मान करो, ये क्या है विचार। अब आगे आपको ये बहुत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा। अभी प्रैक्टिकल उदाहरण देखो, क्या नाम था वो ट्रेन की घटना भी सुनी है ना, अभी जयपुर से कोई ट्रेन में जा रही थी मुंबई के लिए, ये सहनशीलता नहीं थी उस पुलिस ऑफिसर में, जो भी जिसने भी ये क्राइम किया उसमें सहनशीलता नहीं थी, है ना, सहनशीलता भले उसमें हो पर उसमें सहिष्णुता नहीं थी। अगर उसमें धार्मिक सहिष्णुता होती तो वो ये क्राइम नहीं करता। एज ए ऑफिसर आप में ये गुण बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आप एक जिस पद पे जा रहे हो आपके लिए जनता पहले है, आपके लिए इंसान पहले है, आपको ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। व्यक्तिगत तौर पर आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर आपकी जाति कुछ भी हो सकती है, पर आप जिस पद पर हो उस पद का कोई धर्म, जाति, कोई लिंग, कोई वंश, कोई स्थान, किसी को भी फेवर करना आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्या हो, न्यूट्रल नहीं हो, तटस्थ नहीं हो। तो उस ऑफिसर में क्या नहीं थी, सहिष्णुता नहीं थी, इसलिए उसने एक्स धर्म के व्यक्तियों के प्रति क्या कर दिया, हिंसा कर दी। तो ये क्या है, सहिष्णुता है। देखो मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, आपने मेरे सामने विचार रखे, बहुत सारे आप लोग विचार रखते हो, कई लोगों को मैं मना भी कर देता नहीं गलत है, तो ये विचार आपने रखे, पर मैंने क्या उसको गुस्से से बोला कि आप होते कौन ऐसे विचार रखने वाले, हिम्मत कैसे हुई ऐसे विचार रखने की, नहीं ये गलत है। सामने वाले ने विचार रखा, आप मानो या ना मानो आपका ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर सामने वाले के भी अपने एक व्यक्तिगत विचार है, आपके भी विचार हैं, तो अगर ये भावना दोनों में है तो वो क्या है, वो समाज सहिष्णु है, टॉलरेंस है। अब धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, जब एक धर्म के व्यक्ति जब दूसरे धर्म के व्यक्तियों के विचारों को आदर पूर्वक सुनते हैं, अच्छे विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं और बुरे विचारों को आदर पूर्वक मना कर सकते हैं, आदर पूर्वक मतलब सम्मान, जो उन्होंने बोला था सम्मान पूर्वक मना कर सकते हैं, वो क्या है, सहिष्णुता है, ठीक है। अब गांधी जी, आपने वो गांधी जी का डायलॉग सुना होगा कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो कौन सा गाल, दूसरा गाल आगे कर दे। गांधी जी पागल थे क्या, वो भी थप्पड़ मार सकते थे, वो जानते थे कि ये थप्पड़ मार रहे हैं, पर हमें पता है कि ये थप्पड़ मार रहे हैं अगर हम लोग क्राइम करेंगे तो, ठीक है। अब दूसरा गाल हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम अपनी सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं, सहिष्णु हैं हम लोग, हम इनके अत्याचारों को सहेंगे, मतलब गलत है, पर धीरे धीरे इनको एहसास हो जाएगा, मतलब गांधी जी की एक थ्योरी आप पढ़ोगे, हृदय परिवर्तन। इतने पागल टाइप के आदमी थे भाई साहब कि हिटलर, जिसने पूरे नाजियों को सफाया कर, नहीं सॉरी, पूरे यहूदियों का सफाया कर डाला, उस व्यक्ति को भी पत्र लिख डाला कि सुधर जा भाई,
मतलब गांधी जी ने हृदय परिवर्तन में दो, गांधी जी खुद लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, कि दो आदमी ऐसे थे जो मेरे से सुधरे नहीं, बाकी ज्यादातर लोग जिनको भी मैंने पत्र लिखे सुधर गए, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक हिटलर, दोनों को उन्होंने पत्र लिखे। जिन्ना को उन्होंने जब पाकिस्तान का बंटवारा ना हो उस दौरान उन्होंने लिखा था या कहा था कि जिन्ना आप गलत कर रहे हो ना, तो जिन्ना ने बात नहीं मानी। एक हिटलर को उन्होंने लेटर लिखा कि ये नरसंहार गलत है, इंसान इंसान बराबर है, किसी व्यक्ति किसी पहले की कोई गलतियों की सजा दूसरे क्यों भुगते हैं। हृदय परिवर्तन की इतनी तक सोचते थे, सोचो हिटलर को कोई पत्र लिख सकता था उस समय पे, पर गांधी जी ने लिखा। तो इतने पागल टाइप के आदमी थे, इतने सहिष्णुता की बात करते थे, वो हृदय परिवर्तन पे बात करते थे, इसीलिए वो कहते थे कि दूसरा गाल आगे दिखाओ। मतलब वो सहन तो करते थे लेकिन वो जानते थे कि अच्छे विचार है, धीरे धीरे मानेंगे लोग। ठीक है भाई, समझ पाए? चलिए नेक्स्ट लिखें, टाइम तो नहीं हुआ, हो गया? अरे 15 मिनट क्या, अभी तो कहीं जाना तो नहीं है किसी को, अगर कोई कोई विशेष कार्य हो तो जा सकता है, आज क्लास 2.5-3 घंटे चलेगी। आप बारिश में भीग कर आए, मैं बारिश में भीग कर नहीं आया, बचा लिया उसने, पर इसका फायदा तो मिलना चाहिए। अगला लिखो, टॉलरेंस हो गया, कंपैशन, कंपैशन यानी करुणा। इसी के साथ एक और वर्ड भी लिख लें आप, काइंडनेस। काइंडनेस यानी दयालुता। चलिए बात करते हैं, मैंने अपने उसे बना लिया, कोई इशू नहीं है ना, आगे पीछे कर लेंगे ना। ठीक है, क्या होता है कंपैशन और काइंडनेस में अंतर? दया के लिए एक और इंग्लिश वर्ड यूज होता है, किसी को याद आ रहा है? दयालुता के लिए दया। चलो ठीक है, जोर से बोले, चलो कोई नहीं है ना, चलो बताओ क्या होती है करुणा और दया? करुणा एक रस है और दया मिठाई। अच्छा रस वो वाला है, कैसे बोलो ना। हाँ चलो, हाँ बताएं। ओके ठीक है, अच्छा बताया। हाँ जोर से बोले, मैं सुन लू। मर्सी, मर्सी सर प्रयोग किया जाता है इसके लिए, दयालुता के लिए। क्या स्पेलिंग बोले? MERCY, डबल सी है, ठीक है मर्सी। चलिए हाँ बताएं, दया करुणा और कोई? हाँ ओके, और हाँ विश्वास बताएं। बहुत अच्छा बताया आपने ना, सही बता रहे हो। लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हो आप इसमें साथ में ना, लॉन्ग टाइम है ना, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। हाँ ये शॉर्ट टर्म इसको बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम जो भी आप लिखें, है ना, अल्पकालिक। और बताएं, बताइए बताइए बताइए, और बताएं। अच्छा शब्द बताया, देखो उन्होंने उन्हें जलवायु और मौसम से लिंक कर दिया, इसको मान सकते हैं कि ये जलवायु है ना, जलवायु। अगर आपने आपने भौतिकी को इथिक्स से लिंक कर दिया तो आप बहुत अच्छे इंटरलिंकर बन सकते हो, ये मौसम हो सकता है। आगे और बताएं, और शब्द बताएं, थोड़ा सा पहुंच चुके हैं लगभग हम लोग, है ना। देखो क्या होता है, दोनों का एक तो सामान्य अर्थ समझिए, किसी के प्रति कुछ करने का भाव, है ना, सामान्यतः परोपकार की भावना होती है। दया और करुणा में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने से निम्न, यानी कि दया कब आएगी, जब हम उच्च रहेंगे और सामने वाला निम्न रहेगा,
और मैं कहूं कि मैं मुकेश अंबानी जी पे दया कर दूं, कर दूंगा? अडानी जी पे दया कर दूं, कर दूंगा? नहीं कर सकूंगा। वो मुझ पे दया कर सकते हैं कि भाई देखो इस व्यक्ति को मैं कुछ दे दूं, तो ये हो सकता है। तो दया में सामान्यतः दया और करुणा में एक भाव तो क्या होता है, कॉमन जो दोनों में रहता है, वो रहता है परोपकार की भावना, कि दूसरों के लिए कुछ किया जाए। पर कैसा, जिसमें व्यक्ति अपने आप को उच्च महसूस करे, सामने वाले को निम्न नहीं बोलेंगे, पर सामने वाले के लिए कुछ कर सकता है वो, तो वैसा भाव उसको महसूस करे, तो वो क्या है, करुणा और दया है। अब दोनों में अंतर क्या है? हाँ, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, दूसरों पर उपकार करना, परोपकार, हाँ बोल सकते हो। तो अब देखिए इसमें अंतर क्या है, कंपैशन क्या हो गया कि ये दीर्घकालिक है, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं जब किसी व्यक्ति का परमानेंट अगर हम लोग उपाय करें उसके लिए। मैंने एक इंग्लिश में एक वो सुनी है, क्या बोलते हैं, कहावत, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ ना, तो है इंग्लिश की पर हिंदी में ट्रांसलेट करके वो कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए एक मछली देते हो तो आप उसके एक टाइम का बंदोबस्त कर देते हो खाने का, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हो तो आप उसके जीवन भर का प्रबंध कर देते हो। समझ पाए? तो एक टाइम मछली देना मतलब क्या हो गया, काइंडनेस हो गई कि आपने तत्कालिक उपाय किया, ठीक है। और आप उसके लिए जीवन भर के लिए क्या करना है, आपको उसके लिए उपाय करना है तो कंपैशन दिखाओ। इसीलिए शब्द कौन सा ज्यादा शामिल किया गया इसमें, कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आपको क्या करना है, कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन, मतलब कि जो कमजोर वर्ग है उनके प्रति आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। अब टूवर्ड द वीकर सेक्शन में वीकर सेक्शन कौन हो जाएंगे भाई? हाँ, अब बात करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। देखो अब वीकर सेक्शन बहुत सारे होंगे, कमजोर वर्ग सामान्यतः पहले हम लोग ले लेते हैं, जो हमारा विभाजन किया गया है संविधान के अनुसार, एक तो जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जैसे कि जनरल को अगर हम साइड हटा दे तो ओबीसी, एसटी, एससी, हाँ एक ईडब्ल्यूएस, ई मैं बहुत दिन लिख, एससी, ईडब्ल्यूएस, हाँ एक ये वीकर सेक्शन हो जाएगा। और बताएं, धर्म के आधार पे कर लो, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज हो जाएगा, मान सकते हैं, पर धर्म के आधार पे आप मान लो जो वीकर सेक्शन। हाँ, जेंडर बेस्ड किसको मानोगे, महिलाएं कमजोर होती है, नहीं होती, ठीक है भाई, एलजीबीटी को मान लो, है ना, या बोल लेंगे थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर, है ना, ठीक है, एलजीबीटीक्यू प्लस, आई प्लस में आप जो भी कर दो, आपने किसी ने और भी कुछ बोला था, आई भी है, अब तो जुड़ते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, बस हमें याद रखना ये समुदाय, ये भी क्या है, प्रताड़ित है। और कौन होगा, ये हो गया लिंग आधारित, हाँ भौतिक रूप से अगर हम लोग देखें ना, तो फिजिकली और कौन हो जाएंगे टूवर्ड वीकर सेक्शन में, आपके जो हो जाएंगे जिनको हम बोल देंगे फिजिकली डिसेबल या मेंटली डिसेबल, बोल सकते हो आप, ये भी एक शब्द में बोले तो दिव्यांग, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग। मानसिक रूप से दिव्यांग जिसको सामान्य आदमी पागल कह सकता है, पर हमारे लिए वो मानसिक रूप से, चलिए एक मिनट, आपको वो कैप समझ आ रहा हूँ, आप कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो आप उसको क्या बोलोगे एज ए ऑफिसर, हाँ कभी भी विकलांग शब्द का या पागल शब्द का प्रयोग मत करना। अब तो विकलांग तो सरकार ने ही मना कर दिया है, सरकार ने हटा दिया विकलांग शब्द, आप उसको बोलिए मानसिक रूप से दिव्यांग, आप उसको बोलिए मानसिक रूप से विक्षिप्त, ये भी कह सकते हो विक्षिप्त, आप कह सकते हो मानसिक रूप से अस्वस्थ, बहुत अच्छा शब्द है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, है ना, या मानसिक रूप से अस्थिर, ठीक है, ये आप कह सकते हो। कोई भी शब्द पर कभी किसी को भी उसके नाम से नहीं, कि वो एक हाथ नहीं है तो उसको आप उसको है ना लूला कह दो, या पैर टूटा हुआ है तो लंगड़ा कह दो, या आँख फूटी हुई तो अंधा कह दो, ये कभी शब्दों का प्रयोग मत करना डायरेक्टली, आप बस बोलिए उसके लिए दिव्यांग।
ठीक है, नहीं आ रहा तो दिव्यांग, या फिर बोले कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया था ना लाल किले के प्राचीर से, तो उनके लिए बोले विशेष अंग वाले, उनके लिए बोला है कि विशेष व्यक्ति, तो आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो ताकि उनको एक अच्छा फील आए। कभी अंधे को अंधा या बहरे को बहरा या किसी लंगड़े को लंगड़ा मत कहिएगा, बचना है ना, सभी को सिखाएं, ठीक है। और बताएं क्या बोल रहे हो, हाँ स्पेशली एबल बोल सकते हो, बिल्कुल। और बताएं, विकट सेक्शन में ये भी आ गए दिव्यांग भी, और कुछ बीमारी के आधार पर भी होते हैं, जैसे एड्स, एड्स पीड़ित व्यक्ति हैं वो भी आ जाएंगे, कैंसर पीड़ित हैं, कैंसर पीड़ित वो भी आ जाएंगे, विक्टिम्स मतलब, हाँ ये एक लिख लें, रेप पीड़ित, रेप पीड़ित, हाँ एक एसिड अटैक से, जिनको जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, एसिड अटैक से पीड़ित, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सकता है, तो एसिड अटैक से पीड़ित भी हो सकते हैं, उसको भी लिख लें। ये सारे क्या है, कमजोर वर्ग है बोल सकते हो, एसिड सर्वाइवर, बहुत अच्छा शब्द है, ऐसे ऐसे नए शब्द निकाला करो, देखो बहुत अच्छा शब्द दिया उन्होंने, एसिड सर्वाइवर, पीड़ित कहने की जगह पे पीड़ित ऐसी भावना आती है कि मन से दया झलक जाती है, अरे हाँ पीड़ित नहीं, उसको बोला सर्वाइव, सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे इनडायरेक्ट शब्दों का प्रयोग करोगे बहुत आगे जाओगे, क्योंकि कहते हैं भाई शब्द समारे बोलिए, एक शब्द औषधि करे, और यही यूपीएससी ने कहा है, यूपीएससी ने बस चेंज कर दिया है, उसने क्या कहा है कि द वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज शावर्ड, मतलब शब्द द्विधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं, ये बस उसने दिया है, निबंध लिखना है इस पे, ठीक है भाई। तो शब्दों का सोच समझ के प्रयोग करें, इसलिए क्या बने शब्दों में मितव्ययी, कम खर्चीले बने, खर्च करें शब्दों को बस सोच समझ के। एक ऑफिसर बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसका कहा गया शब्द कानून होता है, उसके द्वारा लिखा गया कोई भी बात कानून होता है एक प्रकार से, है ना, डायलॉग सुना है ना बाहुबली में, ये मेरे वचन ही है मेरा शासन, कहती ना देवसेना जी कि मेरा वचन ही है, कौन कहती है, हाँ राजमाता शिवगामी कहती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो आपके वचन ही आपके शासन बनेंगे, ठीक है भाई, कानून। नेक्स्ट लिखें, इंटीग्रिटी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, है ना, कंपैशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, एम्पैथी, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिसनशिप। अब लिखें अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ये बी है याद रखना, बी बिलिटी यानी जवाबदेहिता। एक दूसरा भी लिख सकते हो आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में समझ लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसको हम बोलेंगे उत्तरदायित्व, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होते हैं, बताएं आप लोग क्या होते हैं, देखो समझो, पहले तो आप क्या बोल, अभी मैंने आपको बोला कि आप बोले तो आप क्या हो, वक्ता या श्रोता, है ना, वक्ता हो ना, अभी मैं बोलता हूं तो मैं क्या हूं, वक्ता, और आप क्या रहते हो, और अभी आप बोला तो आप क्या हो, एक व्यक्ति बोल रहा है तो क्या है, वक्ता, और बाकी लोग कौन है, सभी ध्यान दें, ये सभी की बीमारी है, बीमारी नहीं कमजोरी है, सारे एक दूसरे के सुनते नहीं हो, सही सुनता बनाए रखें एक दूसरे में। एक व्यक्ति ने जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं की, उस व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, पेशेंस के साथ में सुने, है ना, फिर उसके बाद में आप अपना जवाब रखें। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा तुरंत बीच में से उसकी बात काटते हुए जा रहा है, ये नेगेटिव कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में ये नकारात्मक कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, सीसेट में आप पढ़ोगे, तो आपको ध्यान रखना है,
कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात कंप्लीट ना कर दे एक ऑफिसर में, खासकर ध्यान रखना, मुझे ये बात किसने बताई थी, एक बार मैं एक गुना में जब था तो जज साहब थे वहाँ पे डीजे, उनसे मिलने गया था, तो वहाँ एक एडीआर मैडम भी थी, तो एडीआर मैडम ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी। एक बच्चा क्या था हमारे साथ ही था, हम लोग उनको ऑफिस विजिट के लिए ले गए थे, तो उसने बीच में बोल गया वो, है ना, तो फिर जब वो चले गए, जज साहब तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, नॉर्मल उसको टाल दिया। फिर बाद में उस मैडम ने समझाया, बहुत अच्छी सीख मिली मुझे उनके जीवन से। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, कोई भी बात कर रहा होता है ना, तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जब तक उसकी बात कंप्लीट ना हो जाए तब तक मत बोलिए, जब तक वो आपसे कुछ बोलने के लिए ना कहें तब तक भी मत बोलिए। मैं उन्होंने, क्योंकि वो उन साथी में बैठे हुए थे दोनों, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे सीनियर हैं, और मेरे सीनियर होने के नाते वो मैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ, है ना। इसलिए वो मुझसे पूछ भी रहे थे, कुछ चीज़ें भूल रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बड़ा डरते हुए उनके कहने पर ही आंसर कर रही थी, नहीं तो जब तक मैंने आंसर नहीं किया, मुझे पता था मुझे भी आ रहा था। कई लोग हमारे साथ क्या होता है, हमें आता है तो हम जल्दी उछल पड़ते हैं, वो कहती मुझे भी आ रहा था आंसर तो, पर मैं नहीं कर रही थी जब तक उन्होंने पूछा नहीं कि क्या था, वो तब तक मैंने आंसर नहीं किया। ये एक बेस्ट कम्युनिकेशन है, एक रिस्पेक्ट भी झलकती सामने वाले के प्रति। या दूसरे शब्दों में, अपने भी, अपने माता पिता ने भी हम सबको ये सिखाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो, पर यहाँ बड़े की बात नहीं है ना, यहाँ हम केवल बड़े की बात नहीं करते, यहाँ हम किसी की भी बात कर रहे हैं। कोई छोटा भी अगर बड़े से कम्युनिकेशन कर रहा है, एक सामान्य दूसरे सामान्य से पर्सन कर रहा है, तो तीसरे को ध्यान रखना है, ठीक है। किसी की भी बातों को पहले सुने, उसके बाद अपने विचार व्यक्त करें, सबको मौका मिलेगा, ध्यान रखेंगे। अपने पल्ले में गांठ बांध लो इसको, है ना, गांठ बांधना समझते हो ना, हाँ, अपने ध्येय में धारण कर लो इस बात को, लाइफ में बहुत काम आएगी, नहीं बड़े बड़े ऑफिसरों के सामने डांट खाने से बच जाओगे, ठीक है। अब जाके फाइल शेयर हो पाइए 1.5 घंटे बाद। हाँ आगे बताओ, अब बताओ कौन विचार रख रहे थे, हाँ बताइए। ओके बिल्कुल, ओके हाँ, और हाँ ठीक है, हाँ बताएं। बिल्कुल, यह भी है, और कोई भिन्न विचार रखना चाहें इनसे भिन्न। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, कोचिंग के उदाहरण को ले लेते हैं, ठीक है। संस्थाएं अपनी आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा, मुख्यालय श्योपुर में, ठीक है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ। इसके डायरेक्टर कौन है? परीक्षित भारती सर इसके डायरेक्टर हैं, और मैं कौन हूँ? मैं संयुक्त संचालक या जॉइंट डायरेक्टर हूँ, मतलब उनके नीचे दो व्यक्ति हैं, मैं हूँ संयुक्त संचालक जॉइंट डायरेक्टर, और एक सोनू प्रकाश सर हैं जो अभी बालाकांड क्लास को देख रहे हैं, हम दोनों उनके नीचे हैं। हमारे नीचे कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर विष्णु योगी सर हैं और संतोष सर हैं, ठीक है, तो ये आप लोग समझ लो। अब क्या है, डायरेक्टर सर ने मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने कहा कि रामलगन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब तक संतोष सर पेपर देकर नहीं आते हैं, संतोष पेपर देकर नहीं आते हैं, तब तक आपको क्या करना है, क्लासेस को बढ़िया अच्छे तरीके से रन करवाना है, ठीक है। उन्होंने कह दिया मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लासेस चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर वाले से हैंड ओवर हो गई नीचे वाले को, ठीक है। अब मेरी जिम्मेदारी है,
हो सकता है मेरे नीचे अगर विष्णु योगी सर यहाँ उपस्थित है तो मैं उनको दे सकता था, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ उस कार्य के लिए। अब मैंने उस जिम्मेदारी को लिया, मैं उसके लिए क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। ये मुझे कार्य दिया गया, उस कार्य के लिए मुझे क्या किया गया, ऑथोराइज किया गया, अधिकृत किया गया। तो किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर देना क्या होता है, जिम्मेदार ठहरा देना, जिम्मेदार दे देना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये कर्म होता है, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायित्व। तो किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर देना क्या है, उत्तरदायित्व है। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं, अब उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ भाई आपकी क्लास में तो लगभग 17 प्लस बच्चे हमेशा रहते हैं, मतलब 70 प्लस बच्चे हमेशा रहते हैं, आज बच्चे क्लास में कम क्यों थे? तो मैं क्या करूँगा, उनको जवाब दूंगा। मुझे उनको क्या देना है, जवाब देना है। तो ये क्या हो गई, मेरी जवाबदेहिता, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने उनको बदले में क्या दिया, अब जवाब दिया, मैं उनके प्रति जवाबदेह हूँ। समझ पाए, ये जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है, मैं उनके प्रति अकाउंटेबल हूँ। अब मैंने उनको कुछ भी बहाना, हो सकता है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं बहाने बनाकर बोल दूँ कि सर ऐसा ऐसा बारिश हो रही थी इसलिए स्टूडेंट्स नहीं आए, या कुछ भी ऐसा बहाना। पर एक अच्छा ऑफिसर क्या रहेगा, मैं अगर जिम्मेदार व्यक्ति हूँ तो मैं क्या करूँगा, एज ए लीडर मैं मानूंगा कि सर मेरी गलती है, मैं अच्छे से शायद नहीं पढ़ा पाया इसलिए एस्पिरेंट नहीं आए। तो मैं क्या हूँ, उस कार्य के लिए जवाबदेह हूँ। इसीलिए एक सक्षम ऑफिसर या सक्षम लीडर क्या होता है, उस कार्य के लिए जवाबदेही होता है, ठीक है। अभी सुने, तो ये जवाबदेहिता है कि मैंने उनको क्या किया, जवाब दिया। ऐसे ही मान लो कि मैंने जिम्मेदारी दी विष्णु योगी सर को, विष्णु योगी सर आएंगे और मुझे जवाब देंगे कि सर इतने बच्चे कम आए थे, इसके पीछे ये रीजन रहा, तो कौन है वो, जवाबदेही है उस कार्य के लिए, है ना। उस कार्य को मैंने उनको दिया था तो वो रिस्पॉन्सिबल है, और मैं कौन हूँ, जवाबदेही हूँ हमारे सर के प्रति कि भाई मुझे उनको जवाब देना है, ये अकाउंटेबिलिटी है। समझ पाए दोनों में अंतर, उनके द्वारा कार्य का डिलीवर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब मैं कहूँगा कि इस कार्य के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो कहेंगे ना कि इस कार्य के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये उनके प्रति जो मेरा जवाब देना है वो जवाबदेहिता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब ये इस बात में ये भी एड ऑन कर लेना है कि एक व्यक्ति अकाउंटेबल भी हो सकता है और रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। पर अकाउंटेबिलिटी जनरली, ऐसा नहीं कि सभी एस्पेक्ट में, कई बार सरकार को भी जनता को जवाब देना रहता है, तो सामान्यतः हम लोग बात कर रहे हैं जनरली जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक निम्न स्तर के अधिकारी से ऊपरी स्तर के अधिकारी को फॉरवर्ड होती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ। हाँ, कुछ भी प्रकार से हो सकती है। अगर उन्होंने मुझसे फोन पर रिपोर्ट मांगी कि बताएं आज की क्लास की रिपोर्ट क्या है, तो मैं मौखिक बोल दूंगा, टाइम नहीं है, अगर लिखित में देना हो तो। वो लिखित में भी हो सकती है। जैसे आप देखोगे संसद के पटल पर बहुत सारे ऐसे आयोग रहते हैं, जैसे मान लो मानव अधिकार आयोग है, तो मानव अधिकार आयोग को अगर बोल दिया गया कि आप वर्ष में हर बार एक वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पे रखोगे ताकि आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने कार्य किए हैं, तो वो जवाब देंगे। ऐसे ही केग रहता है, केग को क्या दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जितने भी सरकारी खर्च हुए हैं उसकी ऑडिट करेंगे। केग की बोल वो है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसने ऑडिट किया। अब वो जवाब देगी किसके प्रति, संसद के प्रति। वो संसद के पटल पर ला करके रिपोर्ट रख देगा कि साहब पढ़ लीजिए मैंने ये लिखा है इसमें, तो वो लिखित भी हो सकता है ओरली भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व एक शब्द है, ठीक है भाई। चलिए अगला, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। स्पेलिंग बता देना, सही तो है ना, ट्रांसपेरेंसी, सही है भैया, आज तो मेरी स्पेलिंग सही जा रही है पूरी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता,
मुझे पता नहीं एंजाइटी तो ऐसा फील होता है, एंजाइटी तो नहीं हो गया, मैं मुझे सारी स्पेलिंग बड़ी अच्छे याद है फिर मैं भूल जाता हूँ। एंजाइटी होती है ना भूलने की बीमारी। हाँ हाँ ऐसा होगा। ठीक है आपकी दुआ काम आए। चलिए ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता क्या होती है? हाँ बायोलॉजी की भाषा में या बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ और जैसे कि कोई उदाहरण, कांच के आर पार देख सकते हैं। हाँ बताएं चश्मा। हाँ ओके ठीक है। हाँ और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। हाँ लाग लपेट शब्द अच्छा है। हाँ बताएं बताएं कौन बता रहा है? तीनों में से हाथों खड़ा कर रहे हो। हाँ बताओ। साफ साफ बोलना है ना, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो है ना। क्लैरिटी है ना, स्पष्टता क्लैरिटी। हाँ हाँ मेहुल स्पष्टता। हाँ अतिशयोक्ति अलंकार में नहीं बताना। हाँ बताएंगे बताएंगे, विचार तो सुनो। वाल्टेर ने क्या कहा है, विचार सुनो। मैं सहमत थोड़ी हूँ उनसे, पर सुनूंगा तो सही ना। हाँ आगे बताओ और कोई। चलिए आप समझे ना, आपने जैसे फिजिक्स की भाषा में बताया तो बात वही है कि आर पार देखा जा सके। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इथिक्स। इथिक्स यानी गवर्नेंस की भाषा में। एक होती है गवर्नमेंट, ठीक है भाई, सरकार। इसी का एक भाग होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। ओके अब इन दोनों का क्या होता है, कुछ कार्य होता है, मतलब कि इन्होंने कोई कार्य किया, एक्स कार्य इन्होंने किया, 50 कोई रूल्स बनाए, ठीक है भाई, 50 कोई रूल्स इन्होंने बनाए। अब 50 रूल्स बनाने में जो प्रोसेस इन्होंने फॉलो करी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ही भाग होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। आप किसमें जा रहे हो, इसमें जा रहे हो आप, है ना। हाँ तो 50 रूल्स इन्होंने बनाए, उस रूल्स को बनाने में जो प्रक्रिया फॉलो हुई, अब जनता के पास ये गए, जनता ने पूछा कि बताओ आपने क्या क्या किया। अब जनता को इन्होंने अगर बोला कि हमने 50 रूल्स बनाए और ये प्रक्रिया फॉलो की, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लिख लिया हमने पब्लिक, ठीक है भाई, पब्लिक। अब ये पब्लिक तो और बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया ना, पब्लिक से ही तो निकलता है आपका गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने कहा कि हमने पूरा रूल्स फॉलो किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों पारदर्शिता है, जितना इधर था उतना ही उधर भी डिलीवर हो गया, मतलब ये पारदर्शिता है। यानी कि दूसरे शब्दों में समझ पाए तो सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए कोई भी कार्य, उसकी जानकारी पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से जनता के पास हो तो उसे हम कहते हैं पारदर्शिता। यानी कि कानून निर्माण प्रक्रिया में या फिर किसी अन्य नीति निर्माण में या फिर किसी अन्य प्रक्रिया में अगर जनता को भी सरकार और प्रशासन की पूर्ण जानकारी है, उसको हम बोलेंगे पारदर्शिता। या परीक्षित सर की भाषा में आप इसको कह सकते हो कि सरकार ने जो कहा और जो किया उनमें अगर समानता है, यानी कि उन्होंने कहा कि हम पारदर्शी रहेंगे, ठीक है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो पारदर्शिता है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल ये पारदर्शिता है। पर आपको क्या पता कि वो इकोनॉमिक सर्वे जो बनाया गया वो सही हो, बनाने वाली कौन, सरकार है ना। तो अगर सरकार ने वास्तविकता बरती है, भाई जितना खर्च किया उतना ही है, तो ये पारदर्शिता है। और अगर उसने कुछ झोल किया है, अपने आप को बचा लिया है और आंकड़े कुछ और बता दिए, तो वो क्या है, पारदर्शिता नहीं है।
अब आपको क्या करना है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी सरकार आपसे जवाब मांगे, जो आपके ऊपर चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि आप सेवा तो जनता की करने जा रहे हो और वो सामने वाला आपके ऊपर जनप्रतिनिधि है, उसको केवल नेता ना देके वो जनता का प्रतिनिधि है, वो पावरफुल है आपसे ज़्यादा, आप तो केवल परीक्षा पास होकर गए हैं लेकिन उसको तो जनता ने चुनकर भेजा है, तो वो जनप्रतिनिधि है, तो उसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा, अपने सीनियर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जितना, या फिर हम बायोलॉजी की भाषा में बात करें कि जहाँ से परासरण शुरू हुआ, पढ़ाई किसी ने परासरण विसरण, हाँ, जहाँ से परासरण शुरू हुआ और जितना भेजा गया था उतना ही अगर यहाँ पर आकर पहुँचा तो पारदर्शिता है। फिर हम इसमें झिल्ली पढ़ते हैं बायोलॉजी में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, तो यहाँ पर यही है कि जनता और प्रशासन के कार्यों में समानता। हाँ, विसरण परासरण, चलिए, हाँ, कहाँ थे हम, ये हो गया, ठीक है, आगे नेक्स्ट है मॉरल डायलेमा। मॉरल डायलेमास, बारिश आ रही है क्या बाहर, बहुत तेज आ रही है ना, तो फिर घर पे तो जाना नहीं है, बैठ के पढ़ते रहो, कोई आसपास कोई दुकान हो तो नाश्ता वास्ता मंगवा लो, आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ। मॉरल, मैं टॉपिक से भटक गया था, मॉरल डायलेमा, ये डबल एम है भैया ना, सही कर लेना, मॉरल डायलेमा हिंदी में लिखते हैं हम लोग उसको, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा, एक शब्द और आएगा एथिकल कंसर्न, इसको भी लिख लें साथ में ही, एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, ये आ रहे हैं कंसर्न, नैतिक चिंता, नैतिक चिंता, और एक और लिख लें साथ में ही, एक तो ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक और लिख लें, नैतिक तर्क, एथिकल रीजनिंग, एथिकल रीजनिंग, रीजनिंग जो लिखते हैं ना मैथ रीजनिंग वाली, वही रीजनिंग कर लेना, ठीक है भाई। तीन चीजें होती है, क्या क्या होती है बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया, बताओ। पास जा पा रहे हो, ठीक है, हाँ, ओके, गुड, हाँ, बिल्कुल, शब्द बढ़िया बता रहे हो आप, अनिवार्यता है ना, डिसीजन अनिवार्य हो जाएगा। हाँ, आपने जो बोला था इसमें एक चीज शामिल कर लेते हैं हम लोग कि नैतिकता या वैल्यूज की बात आ रही है यहाँ पर, वैल्यूज ज्यादा कहना सही रहेगा, मूल्य, मूल्य, और बताएं, दो शब्द निकले अभी दो लोगों के विचारों से, और बताएं ऊपर,
बताऊंगा उसका किंग कर्तव्य विमोड क्या होता है। किंग कर्तव्य विमोड यानी ये होता है वही परिस्थिति जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने हुई थी। अर्जुन किंग कर्तव्य विमोड हो गया था, एक तरफ उसके रिश्तेदार थे मतलब भाई बंद वगैरह कि इसको मारा जाए या नहीं मारा जाए, एक तरफ सत्य था उसके साथ कि भाई ये गलत हुआ, अत्याचार हुआ हमारे अपनों के साथ में, तो युद्ध भी जरूरी है। तो एक तरफ युद्ध करना जरूरी था, एक तरफ अपनों के खिलाफ जाकर के युद्ध करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए क्या करना चाहिए। फिर जो श्री कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो बस वो कर्म करते हैं। फिर वो एक परिस्थिति को चुन लेते हैं, नुकसान वहाँ पर भी हुआ, उनके अपने मारे गए, उनके पिता माँ मारे गए, मतलब अपनी पूरा फैमिली उनकी मर गई, पर कर्म करना उन्होंने वहाँ पर प्रायोरिटी दी। यही आपके सामने, आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा, आपको भी क्या करना पड़ेगा, अर्जुन ही बनना पड़ेगा। सामने भले ही मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्जुन की जैसी परिस्थिति आपके सामने, पर आपको सच पे चलना ही पड़ेगा। एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि हो सकता है आप अपनों को भी बलिदान कर दो, कुर्बान कर दो, अगर आपने उस पराकाष्ठा को कह लिया, वरना फिर आप वो कह सकते हो कि अपने सिद्धांतों से समझौता कर लो। ठीक है, हाँ और कोई, आप हाथ ऊंचा कर रहे हो, आप बता रहे हो कि कुछ बिल्कुल हाँ नैतिक दुविधा है बिल्कुल है ना। पर अगर मैं आपके सामने उदाहरण देऊं कि एक तरफ तो है सर्पराज और दूसरी तरफ एक नागनाथ, एक सांपों का राजा एक नागों का राजा, अब बताओ किसको चुनोगे? ये भी बुरा, ये भी बैडमैन, ठीक है, ये भी बैडमैन, जो कम बुरा है। ये शब्द में ये मजाक नहीं कर रहा, ये नेताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जनता के लिए। एक तरफ सर्पनाथ एक तरफ नागनाथ, किसको चुना जाए? मतलब ये भी नेता बुरा, वो भी नेता बुरा, किस नेता को चुने? ईमानदार तो कोई है ही नहीं। तो है नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा भैया ना, पार्टी का कोई उपयोग ना करें, है ना। चलिए, यहाँ पर नैतिक दुविधा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, यहाँ सिद्धांतों की बात नहीं आ रही है। जहां पर किसी नैतिक मूल्य के खो जाने का या नैतिक मूल्य या नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन की बात आती है, वहां नैतिक दुविधा आ रही है। अब यहाँ ये तो बुराई है ही, आप तो चुन बुराई रहे हो, तो क्या आपकी नैतिकता रहेगी? आपको तो डिसीजन नैतिक बुराई में लेना ही है। तो यहाँ पर नैतिक दुविधा नहीं है, नैतिक दुविधा जहाँ रहेगी, जहाँ पर किसी मूल्य के, किसी वैल्यू के उल्लंघन की या उस वैल्यू का हम लोग वॉयलेंस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसकी बात रहेगी। और डिसीजन मेकिंग भी करना ही पड़ेगा, जैसे वो कलेक्टर वाली घटना कि भाई डैम तो टूटेगा, आप डिसीजन लो या मत लो, या तो इधर से तोड़ो या उधर से तोड़ो, टूटेगा वो, तो नहीं तोड़ेगा तो पूरा टूटेगा। तो वहाँ पर भी उनके सामने दुविधा थी ये। हाँ, वो उनके सामने दुविधा है ना, नैतिक दुविधा है, दुविधा नहीं है कि नैतिक दुविधा है, उनके सामने नैतिक दुविधा थी, क्योंकि इंसानियत एक सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा ही मूल्य इंसानियत की जान बचाना। अब वो इंसान मर रहे हैं, तो इधर भी इंसानियत मर रही है, इधर भी इंसानियत मर रही है, अब इसके लिए उपाय क्या? तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने इसमें बात कही कि ये उनके सामने नैतिक दुविधा थी, तो ये उनको चिंता कर, उनको चिंता हो रही थी कि क्या किया जाए। फिर उसका उपाय उन्होंने निकाला यहाँ से, एथिकल रीजनिंग। रीजनिंग जानते हो ना, रीजनिंग में हम लोग डिसीजन मेकिंग ही सीखते हैं भाई। डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि तर्क के आधार पर निर्णय लेना कि क्या सही है क्या नहीं है। यहाँ पर इन्होंने अपने मन में तर्क किए, या किसी ने और ने भी तर्क दिए, पूछे होंगे किसी से, बताओ क्या सही है, मरेंगे तो लोग वैसे ही, तो हो सकता है उन्होंने भी किसी से डिसीजन किया हो, तो उन्होंने पूछा होगा वहाँ पर कि बताएं क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बताएंगे सर ये मरना ज़्यादा उचित रहेगा, गाँव में चूँकि एरिया ब्रॉड है, फैला हुआ है, और वहाँ पर डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो लोग कम मरेंगे, यहाँ पर हड़बड़ाहट में लोग भाग नहीं पाएंगे, तो यहाँ शहर में ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो यहाँ मरने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो हमें क्या करना चाहिए कि गांव वाला रास्ता चुनना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि एरिया बड़ा है तो लोग क्या है फैल कर रहते हैं, गाँव पास पास नहीं रहते, लेकिन शहर पर तो जनसंख्या बहुत ही पास रहती है, तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा लोग मरे, तो इसलिए।
अगला उन्होंने कहा कि इस वाले मामले में और भी कुछ ऐसे तर्क आए हैं उनके सामने, फिर उन्होंने कहा कि रीजनिंग कहती है इधर कम नुकसान है, एक तरफ कम नुकसान है, यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि लेना यहाँ अनिवार्य है। भाई मूल्य यहाँ पर भी खो रहा है लेकिन लेना अनिवार्य है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो गए, ठीक है, अनिवार्यता है निर्णय लेने की, पर आपको पता है एक वैल्यू तो खोएगी, एक तरफ हो सकता है ईमानदारी आ जाए, एक तरफ हो जाए व्यक्तिगत हित आ जाए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले लो, एक प्रशासनिक जीवन में आप ले लो, एक तरफ है व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित, मतलब एक तो आप ऑफिसर हो, एक इंसान भी हो भाई, आपके अंदर फीलिंग भी है, आपके अंदर आपके कर्तव्य भी हैं, तो आप एक तरफ तो मन कर रहा है कि परिवार का साथ दूँ या फिर ड्यूटी का साथ दूँ, एक तरफ ड्यूटी आपके लिए जरूरी तो दूसरी तरफ परिवार भी जरूरी है, क्योंकि परिवार भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ड्यूटी भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ पर भी एक मूल्य के खोने का डर है कि भाई अगर ड्यूटी को छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा कि जो मेरा कर्तव्य है वो गलत हो जाएगा, तो मेरा एक वैल्यू तो गया, और अगर परिवार को छोड़ दूंगा तो परिवार के प्रति भी मेरा कर्तव्य है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर ही निर्भर हैं, हो सकता है मेरे घर में कोई बुजुर्ग हो सकता है मेरी पत्नी हो, मैं अगर पत्नी हो तो मेरा पति हो, है ना, मैं अगर पिता हूँ माता हूँ तो मेरा बच्चा हो, तो वो भी तो मुझ पर निर्भर है, तो यहाँ पर दोनों ही दुविधा व्यक्ति के सामने, पर डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, इस पर प्रयास करेंगे, ये चिंता तो बनी हुई, चिंता कुछ नहीं, नैतिक दुविधा, नैतिक चिंतन मतलब प्रशासन में हमेशा किसी कानून के उल्लंघन होने की व्यक्ति को चिंता सताती है, उसी को बोलते हैं नैतिक चिंता, ठीक है। अब ये इससे एक अगला कदम है नैतिक दुविधा, और इसका सॉल्यूशन यहाँ से आएगा नैतिक तर्क से, ठीक है। हाँ आप कुछ बता रहे थे, हाँ ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसेस है, पहले चिंता हो रही है, केवल चिंता तक तो आप तो ठीक है, अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो वो दुविधा में पहुंच गए, डिसीजन नहीं लोगे तो एक तरफ तो मरेंगे, तो वो अगला स्टेप हो गया, और अब उसका सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है, हाँ प्रोसेस है, हाँ कंसर्न नहीं है ना, अब तो वो दुविधा में पहुंच चुका है, कंसर्न में तो केवल आप चिंतित रहोगे, मतलब कंसर्न क्या है, डिसीजन नहीं भी ले सकते हैं, बस चिंता है आपको कि यार ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, पर अगर वहां पर घटना आ चुकी है, मतलब अब परिस्थिति आपके सामने है कि डिसीजन लेना, जहां डिसीजन आ गया वहां पर दुविधा है, लेना ही पड़ेगा, वो कंसर्न में है, नो चिंता बस आपको है कि यार परिवार को चुनूंगा तो ये हो जाएगा, तो चिंता रहती है आदमी को, रूल्स टूट जाएंगे, ये तो हेल्प कर रहा है लेने में, मतलब इसमें आप बाहर कैसे निकलोगे दुविधा से, आपको मैं केवल ये बढ़ा के रह जाऊं, मतलब मैं आपको केवल ये ऐसे समझो, ये ले लेते, मैं केवल आपको ये पढ़ा के रह जाऊं तो वही हालत हो जाएगी जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हुई थी, यहां तक तो आप अभिमन्यु हो, अर्जुन कैसे बनोगे, ये जब आपको आती है, समझ पाए, तो यहां तक तो आपको चक्र में फंसे हुए हो, ठीक है, यहाँ आपने एंटर भी नहीं किया है, मतलब कहाँ गया हो, नैतिक चिंता, यहाँ आप एंटर भी नहीं किया, पर आप अभिमन्यु की उस कंडीशन में हो कि भैया लड़ना तो पड़ेगा, अब तो लड़ाई हो रही है, तो चिंता है आपको कि मुझे, अभिमन्यु को चिंता है यहाँ पर कि मुझे पता है कि मुझे बाहर निकलना नहीं आता है ना, मुझे बाहर निकलना नहीं आता है, मैं चक्रव्यूह में फंसूंगा तो मारा जाऊंगा, चिंता है, पर अब मेरे सामने दुविधा आ गई कि अब तो युद्ध चक्रव्यूह उन्होंने शुरू कर दिया है, अब तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मारे जाएंगे, सारे लोग मारे जाएंगे, तो अब नैतिक दुविधा आ गई, पर केवल आप अभिमन्यु ही थोड़ी हो, आपको अर्जुन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्यूशन बताएगी कि बाहर कैसे निकले, कहां पर कम नुकसान है, कहां पर ज्यादा नुकसान है, कौन सा चुनना सर्वोत्तम विकल्प रहेगा, कौन सा चुनना कम विकल्प रहेगा, एक तो दिक्कत ये रहती है इसमें कि दोनों तरफ मॉरल वैल्यूज होते हैं नैतिक दुविधा में, एक दिक्कत ये रहती है कि इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं होता, ये भी दिक्कत रहती है, और चौथी एक ये रहती है कि डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाता है, तो ये कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, ओके, बिल्कुल, हाँ दुविधा, फिर उसके बाद हेल्प करने के लिए तर्क, इज दैट क्लियर, ठीक, आगे क्या है, हो गया, कुछ बचा है, देख लो,
हो गया, टाइम भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसके प्रबोधक संप्रेषण की कल बताएं इसको। प्रबोधक संप्रेषण रह गया है एक, आपका पूर्वाग्रह और विभेद रह गया है एक, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी बताओ, ईमान, चलो समझ लो भाई ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है भाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी किसी भी कार्य को सच्चाई के साथ करना। तो जब भी किसी की डेफिनेशन दे रहे हो ना, शब्द का प्रयोग मत करो, नहीं तो वो फिर प्रयोग नहीं होगा। ईमानदारी क्या है, किसी कार्य के प्रति निष्ठावान, बात वही, आपने भी वही कही थी, पर शब्द का प्रयोग करना समझना है, ठीक है, किसी कार्य के प्रति निष्ठावान होना। अब कार्य कुछ भी हो सकता है, आप स्टूडेंट हो, अपने कर्म के प्रति आप निष्ठावान हो, आप एस्पिरेंट हो, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना है आप, लेकिन क्या अच्छे प्रतिस्पर्धी हो, आप किसी को चीट करके नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी ईमानदारी है। हाँ हाँ, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल। देखो अगर मैं कहूँ कि नैतिक दुविधा क्या है, तो मैं अगर मैं डेफिनेशन ऐसे दूंगा कि जब किसी कार्य को करने में व्यक्ति को नैतिक दुविधा आ जाती है तो वो नैतिक दुविधा है, तो दिक्कत रहेगी, है ना। कोशिश करें, सेंस वही है, बस उस शब्द को या तो उसका सिमिलर कोई वर्ड हो या उसका सेंस दर्शाने वाला कोई शब्द हो, उसका भाव बता रहा हो, उस शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी है, बिना किसी, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके आप बढ़िया डेफिनेशन दे सकते हो, बिना किसी लालच, बिना किसी प्रलोभन, दबाव, किसी भी चीज़ों को शामिल किए हम लोग इमा कार्य को निष्ठापूर्वक करें, ठीक है, क्लियर हो गई, कौन थे ईमानदारी, हाँ ईमानदार हूँ, क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न देखें या कल देखोगे, देख लें भाई, कल किसने देखा 10 मिनट देख लेते हैं, नहीं तो ऐसा करता हूँ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, समझ लेना, जो प्रश्न समझ में आए पूछ लेना। हाँ कल डिस्कशन कर लेंगे प्रश्नों पर, है ना, और कल सभी लोग क्या पढ़कर आओगे, टॉपिक निकालें, लिख लें क्या क्या रह गया है इसमें टॉपिक में, चलो मैं 1 मिनट, नीति शास्त्र के आयाम, मानवीय सहसंबंध में नीति शास्त्र का सार तत्व, मानवीय मूल्य, मान्यताओं, सुधारों को, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, हाँ आचरण के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति, कंटेंट, ये हो गया, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, अभिक्षमता हो गया था ना, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, अवधारणाएं, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, सबका क्लियर है, विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, इनको थोड़ा देख लेंगे। एक तो ये लिख लें, विधि, लॉ, ठीक है, विधि, लॉ, नियम लिख लें, रूल्स, और विनियम यानी रेगुलेशन, कहाँ है रिसेट का ऑप्शन, चलो छोड़ो, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, इसके भी बड़े नखरे हैं, इसके भी पैनल के भी, आ गया, चलो ठीक है, धन्यवाद। कहाँ थे हम, लिख लें भाई, हाँ वो
एनी डेस्क चल रहा है क्या या अभी यहीं से ही तो बंद कर दो है ना उसको, कल के लिए टॉपिक बता रहे हैं, या फिर चलने दो भाई, वो ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे जो भी आज नहीं आ पाए बारिश की वजह से। हालांकि आपकी नज़रों में ये जो बैठे हुए हैं ये योद्धा हैं, आप लोग कायर हो, ठीक है। लॉज यानी विधि, रूल्स यानी नियम, रेगुलेशन यानी विनियम, और कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा, कंसाइंस, ठीक है, अंतरात्मा। ये तीनों चारों चीज़ें ना लगभग सेम ही, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना। कभी बताएंगे कल एक वो ऐसे बना देंगे कि ये विधि है, इसमें कानून आ जाएगा, ऐसे ऐसे शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक, तो एक और देख लेते हैं ऊपर। एक जना जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ हो कोई भी, वो मुझे भी सेंड कर दे कि मुझे कल ये पढ़ाना है, मैं भूल जाता हूँ। ये दोनों लिख लें, आचार संहिता और आचरण संहिता, इसको याद रखना है सभी को, ठीक है ना भाई। कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स मतलब आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण संहिता, ठीक है। तो ये मतलब ये है और ये मतलब ये है, आचार संहिता और आचरण संहिता। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स, दोनों में अंतर बताएंगे क्या होता है। ये हो गया प्रोबिटी। देखिए, ईमानदारी के लिए एक नया शब्द प्रयोग किया गया है इसमें, प्रोबिटी, ठीक है। प्रोबिटी मतलब ईमानदारी। ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्या बोलते हैं, नागरिक घोषणा पत्र, जानते हो नहीं जानते, सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र या सिटीजन चार्टर, अभी बता देते हैं, एक मिनट में समझ जाओगे। आप लोग कभी भी किसी अस्पताल, सार्वजनिक स्थल या किसी स्कूल कहीं पर भी गए होंगे जो गवर्नमेंट की वो हो, प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के बाहर आपने एक बड़ा सा बोर्ड टंगा देखा है जिस पर लिखा हुआ है कि इस विभाग में ये सेवाएँ दी जाती है ना, वही है सिटीजन चार्टर। मतलब नागरिकों के लिए घोषणा लिख दी गई कि इस अस्पताल में क्या क्या चीज़ें फ्री मिलेगी, कौन सी दवाइयाँ मिलेगी, कौन सा इलाज होगा। ऐसे ही कृषि विभाग में जाओगे तो उसके बाहर भी एक वो बड़ा सा बैनर लगा रहता है, हर विभाग के बाहर एक बैनर लगा रहता है कि ये विभाग आपको सेवाएं देता है, यही है सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जब आपने पढ़ेंगे अशोक का धम्म, तो अशोक ने भी अपने स्क्रिप्ट लिखवाए थे, बहुत सारे शिलालेखों में ऐसे घोषणा करी थी कि नागरिकों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है भाई। फिर बाद में भी कुछ आते हैं शासक, तो वो भी लिखवाते हैं। तो ये हो गया, तो इसको तो हमने पढ़ी लिया, फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ईमानदारी हो गया, लगभग इतना ही है, फिर कुछ बचेगा तो कल हम लोग देखेंगे। एमपीपीएससी, हाँ, एमपीपीएससी वालों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एमपीपीएससी वाले मेरे दिल के करीब है भाई, है ना। यूपीएससी वाले बुरा नाम आने, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, इसमें देख लें सब कुछ हो गया, एथिकल एलिमेंट, गवर्नमेंस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, एथिकल रीजनिंग हो गया, मॉरल डायलेमा हो गया, कॉन्साइंस एंड एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, अंतरात्मा लिखा दिया था कि मैंने, हाँ, चाहे इसको ऐसे लिख लें एमपीपीएससी वाले की कॉन्साइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, यानी कि नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर भी है, कोड ऑफ इथिक्स हो गया, हायर वैल्यूज गवर्नेंस हो गया, करप्शन वाली बहुत मस्त यूनिट है, इसको परसों पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छी यूनिट है और इसमें मुझे अच्छा कंटेंट भी मिल गया है इसके लिए, तो उसको पढ़ाऊंगा कभी। मॉरल डायलेमा, हाई वैल्यूज, ये हो गया, इसमें देख लें, इसमें तो कोई नहीं रह गया। परसुएसिव कम्युनिकेशन लिख लें, जो रह गए हैं वो लिख लें, कल हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, प्रबोधक संप्रेषण पे भी, बहुत अच्छे उदाहरण से आपको बताऊंगा, इस पर तो मैं चित्र भी लगाऊंगा खासकर, ये मेरा फेवरेट रहेगा कल का। प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी लिख लें, प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा लिख लें, और स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्रबोधक संप्रेषण ये हो जाएगा, प्रबोधक संप्रेषण, इसको लिख लें, प्रिजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, हिंदी वाले इंग्लिश के शब्दों को भी लिखा करें साथ में, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव,
ये आपकी और मेरी गलती रही कि हमने बचपन में इंग्लिश नहीं पढ़ा, आज पढ़ना पड़ रहा है जवानी में, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज और हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज, मानो या ना मानो, वो आधिकारिक भाषा की बात अलग है पर ये रियलिटी है। आज आपको कोई भी काम करना पड़ेगा भारत में या इंडिया के बाहर, तो दोनों ही लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। अगर दुनिया से आपको ज्ञान चाहिए तो आप इंग्लिश बढ़िया सीख लीजिए, दुनिया से भी जुड़ जाओगे, और भारतीय लेवल पर आपको बढ़िया चाहिए तो लगभग भारत के हर कोने में हिंदी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट, वो बात अलग है कि नेता जो अलग अलग भाषाओं के नेता रहते हैं वो अपने प्रयोग के लिए इनको बोलते रहते हैं कि इंग्लिश गलत है, मैं काले ने गलत किया, या हिंदी गलत है। जैसे तमिल, अब द्रविड़ वहाँ जाओगे द्रविड़ राज्यों में, है ना, तमिल तेलुगु कन्नड़ वालों में, तो वो हिंदी का विरोध करेंगे। अब हिंदी वालों में आओगे तो हिंदी वाले अंग्रेजी का विरोध करेंगे, फिर बंगाली वाले हिंदी का विरोध करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर है, पर हमें बस थोड़ा सा समझना है देश की भावना क्या है। तो देश की भावना अभी यही कहती है कि लगभग बड़ा तबका एक हिंदी बोलता है और अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। प्रशासन के ज़्यादातर काम आपको अंग्रेजी में करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी, हिंदी वालों को भी करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि भले आप हिंदी माध्यम के सेलेक्टेड अभ्यर्थी रहोगे तो भी आपका जो ऑफिसर रहेगा ना ऊपर वाला, वो इंग्लिश मीडियम का हो सकता है। जैसे आप डेप्यूटी कलेक्टर बने, आपके ऊपर कलेक्टर जो रहेगा तो इंग्लिश मीडियम का हो सकता है, उसको हो सकता है हिंगली में हिंदी में रूढ़िवादिता का अर्थ नहीं आता हो, तो वो फिर लिख के भेजेगा आपको स्टीरियोटाइप। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि स्टीरियोटाइप यानी क्या होता है, ठीक है भाई। और इसलिए भी समझ में आना चाहिए क्योंकि MPPSC में जो पेपर 5 है, कौन सा, हिंदी वाला, उसमें क्या है, ट्रांसलेशन है 35 नंबर का। एक तो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी टू इंग्लिश में आपको 20 नंबर का आएगा और 15 नंबर का आपका आएगा इंग्लिश टू हिंदी में, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो UPSC वाले हैं, UPSC वालों के तो 300 नंबर का एक पेपर है पूरा, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों, उसमें आपको 600, भले आपको नहीं आता हो, अगर आप UPSC की सोच रहे हो हिंदी माध्यम वाले भी, तो भी आपको अंग्रेजी में 600 शब्दों में एक निबंध लिखना ही पड़ेगा। और समस्या वहाँ पर है कि वहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आता, तो भी लिखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा तो कम से कम कमांड हो कि हम उसको लिख पाएँ, है ना। तो वो नहीं आते जो हमने रटे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इतना तो आना पड़ेगा। वो कंपलसरी जो पेपर होते हैं ना, तो एक तो आप इंग्लिश चुनते हो, दूसरा कोई भी भारतीय भाषा। अब भारतीय भाषा में तो मुझे नहीं लगता आप कोई हिंदी के अलावा कोई चुन पाते होंगे, या फिर कोई हो सकता कोई उर्दू चुन ले या फिर आसपास की कोई लैंग्वेज चुन ले, ज़्यादातर आप हिंदी चुनोगे, तो आपको इंग्लिश तो आनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलिए आज की सभा समाप्त की जाती है, धन्यवाद, कर दे बंद इसको।